Subscribe to our channel and press the bell icon for more videos on cancer care. ओभरी माने आम कौन बुझू जो प्रत्येक स्त्रीलोक जो जरायु दीपुट दीर था डिंब डिंब कोष कहते सहीटा प्रथम मेन काम है डिंबाणु आनी प्रेगनेंसी एवं से जो हार्मोन तैयारी करे से हार्मोनटा स्त्रीर स्त्रीत्व मेंटेन करे किंतु दुर्भाग्य विषय से ओभरी में कैंसर होवार संभावना थाए से ओभरी कैंसर टा यूजुअली बहुत देखुचु सिम्टम नथाय प्रथम स्टेज सिम्टम नथाय तेणु आम जापना जिते जानू से रोगटा एडभांस होता तेणु सिम्टम गोटे बेले सिम्टम गोटे बेले इग्नोर करदे किसी ना कहीदे स्त्री गोटे आस डिस्पेप्सिया खाया इच्छा होनी भोक लगुनि तलीपटे दरज टे रोचे हेवीने पेटर भारी भारी लगुच इग्नोर नक रोगी और रोगी लोक मैंने कि डाक्त जीवन पाखे आसुच्छे किसी टेस्ट करदे क्लीनिकल देखा किंवा गोटे साधारण आजिकल सब अल्ट्रासाउंड करा अल्ट्रासाउंड करदे आम कि जापर अच्छा सी तो गोटे हूँ जापर प्राइमरी स्टेज जाना बड़ कष्ट ओवेरियन कैंसर पुणी पुणी आम देखा दुई प्रकार मैंने कमनली दुई प्रकार थाए गोटे हूँ 40 वर्ष तौक गोटे प्रकार ओवेरियन कैंसर है गोटे 40 वर्ष ऊपर आउ गोटे प्रकार ओवेरियन कैंसर है 40 वर्ष तौक मैंने जो यंग यंग लोक यूजुअली इवेन 5 वर्ष झील मूँ आरंभ कर 40 वर्ष स्त्री लोक मैं ओवेरियन कैंसर हुए सी ओवेरियन कैंसर कहते नॉन एपिथेलियल मैं से भल भेर मैंने भल प्रोग्नोसिस तार आउटकम टा भल आउ 40 वर्ष पर जीवन को हुए मोस्टली कहते एपिथेलियल एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर एग्रेसीव यूजुअली से एग्रेसीव से डायग्नोसिस मोस्ट कमन डायग्नोसिस फीचर होता गोटे अल्ट्रासाउंड खाली अल्ट्रासाउंड गोटे भल अल्ट्रासाउंड करदे जापर जो ओभरी से जो ट्यूमरटा मैंने नन मालिग्नेंट कि मालिग्नेंट अदरवाइज बिनाइन कि मालिग्नेंट ट्यूमर्स सो जाहब अल्ट्रासाउंड बहुत जिस जाहब और क्लीनिकल एक्जामेशन कर जाहब जिनसा कौन होजुअली से कौन हुए ट्यूमर थाए ट्यूमरटा यूजुअली सॉलिड सिस्टिक ट्यूमर मोस्टली नुह एवं पेटर पा जमा होता है एसआईटिस कह जाए तेणु तार कितना मार्कर अच्छे जोड़ा आम कहूँ बिलो 40 इयर्स मार्कर दुई चार मार्कर अच्छे जहाँ गोटे C125 बीटा एससीजी एलडीएस अल्फा बीटा प्रोटीन मार्कर को जापर से रोगटा कौन टाइप रोग अच्छे अच्छा जदि गोटे रोगी आसला स्त्री गोटे आसला आम पाखक 40 वर्ष 40 पाखापाखि कि 40 वर्ष टे वृद्ध गोटे पेटर पा जमा हो भोक लगुनि खाया इच्छा हो दुर्बल लगुच से जगह आम देखु यूजुअली मोस्टली सब एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर हुए कि जोड़ा कहते हैं जो बिलो 40 से यूजुअली मोस्टली जो नॉन एपिथेलियल ओवेरियन मैलिग्नेंस हो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस निश्चय होती ओवेरी सर्जरी करेतु यंग झील मानक होम तो कौन करूँ सात यूट्रस ओवरी बाहर करना से जगह आम कौन करूँ कहते कंजरवेटिव सर्जरी कहते कंजरवेटिव मैंने धर गोटे ओवर से ओवरटा यूजुअली बाहर करूँ किंवा से ओवर गोटे से ट्यूमरटा बाहर करदे ओवरटा रखु एवं तपर सर्जिकल स्टेजिंग प्रोसीजर सब अच्छी देखू जे आउ कौ जगह कौन जाती जगह सब बाहर करदेबू चेस्ट करूँ सीधी आम पाखे पेट भितर आउ किसी रोग रही कहते आर जीरो रेसीडुआल डिजीज पूरा जीरो रहा रेजल्ट बेस्ट रेजल्ट से बाहर करें बायोपसी पठेबू बायोपसी रेजल्ट बायोपसी देख सारा देखू कौन बाहर से डिपेंड करमर कैमोथेरापी देबू जो देबू कौन देबू कैदिन देबू यूजुअली जो नॉन एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर में कहूँ डिजर्म ना कहते योक्सक ट्यूमर कहते ट्यूमर कहूँ केमोथेरापी 3-4 साइकिल दि जाए कारण अधिक दि जाए क्योंकि यंग झील मैंने फ्यूचर अच्छी प्रेगनेंसी फर्टिलिटी इश्यू तक अच्छी तेनाली आम 3-4 साइकिल देकी तार फॉलो करूँ आम पाखे बहुत रोगी अच्छा से बयस रोगी मानक बाहर नई थे बर्तमान बहुत हालां पिलापिली होपरेसन कर सारे केमोथेरापी दे सीटा तो सीटा बहुत रिजल्ट भल बोली आम बहुत आशा आशावादी से जो मर 40 इयर्स पर जहाँ कहते कि नॉन एपिथेलियल इवन बिलो 40 नॉन एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर होवार संभावना थाए ना नुह से गुड़ार रिजल्ट के आम आशा भल करना कारण यूजुअली से आम अर्ली स्टेज देखी पारना आम डायग्नोस कर पारना जो मूँ डायग्नोस करुचु येस रिजल्ट भल कि जो मैं डायग्नोस कर पारू रिजल्ट रियली पुअर जो मैं डायग्नोस कर पार्छे धर अपर स्टेज अच्छी ट्रीटमेंट चॉइस प्रथम होची सर्जरी सर्जरी करा दरकार सर्जरी करा दरकार मुझे कहते टे आगू जे सर्जरी करा दरकार रेसीडुआल डिजीज तापर ऑपरेशन सरलापर ता पेटर कि रोग नोग ना कहते कहते आर जीरो रिसेक्शन रिसेक्शन मोटा जीरो होगी डिजीज नई जगह रिजल्ट बहुत भल तापर फॉलोड बाय केमोथेरेपी देव
କେମୋଥେରାପି ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର କେମୋଥେରାପି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆମ ପାକେଲିଟେସର କାର୍ବୋରାଟିନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଯେ ସର୍ଜରୀ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି, ସର୍ଜରୀଟା କଲେ ମାନେ ଖାଲି ଇଟ୍ସ ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସର୍ଜରୀଟା, ୟୁଜୁଆଲି ମୋଷ୍ଟଲି କରାଯାଏ ପେଟ ଖୋଲିକି। ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍, କଲେ ରେଜଲ୍ଟଟା ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପେଟ ଖୋଲିକି ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଯେହେତୁ ଏବଭ 40 ମୁଁ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ତା'ର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅଲରେଡ଼ି ପିଲାପିଲି ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ଦର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଓଭାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିବୁ, ୟୁଟ୍ରସ୍ ବାହାର କରିବୁ। ଆଉ ଯେତିକି ରୋଗ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ସର୍ଜରୀ, ତାକୁ କହନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟେଜିଂ। ଓଭାରିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ କରୁ, ଅପରେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ସେ କରିବୁ, ଅମେଣ୍ଟମ୍ ବାହାର କରିବୁ, ନୋଡ଼୍ ବାହାର କରିବୁ ଏବଂ ପେରିଟୋନିୟମ୍ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ପଠାଇବୁ ବାୟୋପ୍ସି ପାଇଁ। ବାୟୋପ୍ସି ହୋଇଗଲା ପରେ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ଆମେ ସର୍ଜରୀ କରିବୁ କେମିତି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଯଦି ସେଇଠୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ହାଇ ଗ୍ରେଡ୍ ସିରିୟସ୍ କାର୍ସିନୋମା, ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଅଛି ଗୋଟେ ଆମର, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଲୋ ଗ୍ରେଡ୍, ହାଇ ଗ୍ରେଡ୍ ଅଛି। ଯଦି ହାଇ ଗ୍ରେଡ୍ ସିରିୟସ୍ କାର୍ସିନୋମା ବାହାରିଲା, ୟୁଜୁଆଲି ଯଦି ସେ ଏଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ BRCA1 BRCA2 ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଯାହା କହନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲିଆର କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ହୁଏ, ସେଟା ଗୋଟେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ 1 ଆଉ 2 ସେଇଟା ବେଶୀ ଥାଏ, ତା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଭଲ। ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଏଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବ, ଦାମ ଟିକିଏ ଅଧିକା ସେ ଟେଷ୍ଟର, ଯଦି ଏଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବ ସେଇଟା କଲେ ତା ପାଇଁ ବି ଭଲ, ତା'ର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଲୋକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ। କାରଣ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସବୁ 100% ମୋର, ଧର ମୁଁ ଆଜି BRCA ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ମୋ ମାନେ ଜଣେ, ତା'ର ପିଲାମାନେ ଯେ BRCA ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲେ ଯେ ତା 100% କାର୍ସିନୋମା ହେବ ତା ମାନେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ କାର୍ସିନୋମା ତାଙ୍କ ଇଏରେ ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ, କେଉଁ କାର୍ସିନୋମା ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ, ବ୍ରେଷ୍ଟ ଆଉ ଓଭାରି କାର୍ସିନୋମା, ଯଦି BRCA1 BRCA2 ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କାସିନୋଭା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ, କଟକ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9438163280।